नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर गिरिजीत सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, आप सभी दर्शकों का पूसा संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम दर्शकों को धान में समसामयिक क्रियाओं के साथ मक्के में फसल एवं कीट प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। एवं अंत में मौसम खबर। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो लगभग संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिए जा रहे वैज्ञानिक परामर्श के आधार पर ही आप खेती कर रहे होंगे। इस समय धान में सिंचाई व्यवस्था, उर्वरक प्रबंधन एवं खरपतवार नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार। किसान भाइयों और बहनों, आपकी धान की जो फसल में ब्यांत पूरा हो चुका होगा, पौधों की लंबाई अब इस समय बढ़ रही होगी, साथ ही साथ इनमें बालियां बननी शुरू हो जाती हैं, जिसे हम जननिक अवस्था कहते हैं। जब बालियां आप निकली हुई खेत में दिखाई देती हैं, उसके एक महीना पहले वास्तव में बालियां बननी शुरू हो जाती हैं, जो हमें किसान भाइयों आंखों से दिखाई नहीं देती। ये जननिक अवस्था होती है और इस अवस्था पर आपको नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। जो आपकी एक तिहाई मात्रा है उसका आप प्रयोग करें, जो भी संस्तुत दर हो। और जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि नाइट्रोजन को धान में 3 बार लगाया जाता है, तो अब अंतिम खुराक का समय आ गया है। मोटे तौर पर रोपाई के 55 से 60 दिन पे इस खुराक का आपको प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ जब जननिक अवस्था होती है, बालियां बन रही होती हैं पौधे के अंदर या वो बाहर निकल आती हैं, उस समय पर पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए। इस अवस्था पर आपको अपनी मिट्टी को हमेशा गीला रखना है। इसके लिए हो सके तो आप 2 से 3 सेंटीमीटर पानी अपने खेत में खड़ा रखें। चाहे धान आपने सीधी बिजाई से लगाया हो, चाहे आपने रोपाई विधि से लगाया हो, दोनों ही दशाओं में इस अवस्था पर खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार धान की फसल में इस समय पर आपके खरपतवार भी रह गए होंगे, क्योंकि शुरू में आप 30-35 दिन तक रासायनिक विधि से भी खरपतवारों का नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन इस अवस्था पर कोई भी रासायनिक विधि काम नहीं आएगी। अब जब खेत में आपके पानी खड़ा हो तो आप वहां से खरपतवारों को निकाल दें। किसान भाइयों, ये धान का पौधा है, इसमें ओरिकिल और लिग्यूल संरचनाएं दिखाई देती हैं। अगर आप पत्ती को हटाएंगे तो ये आप देखिए ध्यान से, ये लिग्यूल है, ये संरचना लिग्यूल है जो धान के पौधे में होती है, और जो आमतौर पर घासी धान में होती है उनमें संरचना नहीं पाई जाती। साथ ही साथ इसमें साइड में आपको ओरिकल दिखाई देगा, 2 लोब वाली संरचना, 2 कान की तरह होते हैं। ये आपका बड़ा सांवक है, जिसको इकाइनोक्लोआ क्रूसगैली कहते हैं। इसकी पत्ती का आवरण अगर आप हटाते हैं तो इसमें ओरिकल और लिग्यूल जो आपने धान की फसल में देखा है इसमें नहीं पाया जाता। आप कोई भी पत्ता हटा के देख लें, यहाँ होना चाहिए, जहाँ पे पत्ती का ब्लेड और आवरण मिलते हैं यहाँ पर कोई भी ओरिकल या लिग्यूल नहीं है। फिर एक पत्ता उखाड़िए आप, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये कोलोनम खरपतवार है, इकाइनोक्लोआ कोलोनम, जिसे सांवक कहते हैं। इसके भी पत्ते के आवरण को आप हटा के देखेंगे तो इसमें ओरिकल या लिग्यूल कुछ दिखाई नहीं देगा, यहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ये आप ध्यान से देखें, ये यहाँ पे ओरिकल और लिग्यूल होना चाहिए, जो कि नहीं होता। आप और पत्ता हटा के देख सकते हैं, यहाँ पर कोई संरचना नहीं है। जिन किसान भाइयों ने धान की बीज फसल लगाई है, यानी जो किसान भाई बीज उत्पादन कर रहे हैं, उनको भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो दूसरी किस्म के पौधे आपकी फसल में दिखाई दे रहे हो, ऑफ टाइप हो, उन सबको निकाल दें। मक्का खरीफ मौसम में उगाए जाने वाली अनाजी फसलों में एक प्रमुख फसल है। ये स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन एवं खनिज लवण इत्यादि में भरपूर तो होती ही है, साथ ही किसानों के लिए आय का एक उत्तम स्रोत भी है। मक्का में अच्छी उपज लेने हेतु फसल एवं कीट प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर SL जाट। पहला है इसमें पोषक तत्व प्रबंधन। जब आपकी घुटने तक की ऊंचाई या नरमंजरी आने वाली होती है तो आपको 1 बैग यूरिया प्रति एकड़ की दर से आपको देना होता है, और आपको पौधे की बिल्कुल पास में डालना होता है। तो उससे क्या होगा कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे के काम आएगा। जब आप दूसरी यूरिया की डोज दें या तो उस समय आप मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं, और मिट्टी आप यूरिया देने के बाद चढ़ाएं
नहीं कि यूरिया देने के पहले चढ़ाएं। अपने आपकी फसल में जो 20 से 30 दिन की हो चुकी है या उससे ज़्यादा दिन की भी है, तो उसमें क्या है कि आपको या तो आप हाथ से खरपतवारों को निकाल सकते हैं, दूसरा आप जो कुल्फा चला के या आप जो ट्रैक्टर चलित यंत्र भी आ रहे हैं उनको आप दो पंक्तियों के बीच में निकाल के उससे निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे खरपतवार नाशी आए हैं जो मक्का में हाल ही के कुछ सालों के अंदर खड़ी मक्का के अंदर हम छिड़काव कर सकते हैं। उनमें प्रमुख है आपका टेम्बोट्रिन जो लोडिस के नाम से आता है, उसको आपको 115 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में डाल के आप खड़ी मक्का में 20 से 30 या 20 से 35 या 40 दिन तक आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। सर उसका एक और ऑप्शन है, उसका नाम है टिंजर जो टोप्रामेजोन है, और वो आपका 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप डालें। जिन क्षेत्रों के अंदर जल भराव की समस्या होती है वहाँ पे आप अगर मक्का के अंदर इस खड़ी फसल में मिट्टी चढ़ाते हैं तो एक लाभदायक रहता है। जो मिट्टी चढ़ाने वाली जो नालियाँ बनती है वो आपका जल संरक्षण का काम भी करती है, दूसरा आपका जल निकास का काम भी करती है। इस समय जो फॉल आर्मवर्म करके एक कीड़ा आया है, जो पहले हमें पहचानना है कि आपके खेत में आया है कि नहीं आया है, तो उसके लिए आपको खेत के अंदर जाना पड़ेगा। बाहर से आपको फसल बिल्कुल सेफ दिखेगी, लेकिन जब अंदर जाएंगे तो उसका जो एक्सक्रीटा होता है वो आपको पौधे का जो गोब होता है उसके केंद्र भाग में जहाँ वहाँ पर आपको दिखाई देगी। उससे जस्ट पहले आपको ये और देखना है कि बहुत छोटे छोटे फॉल आर्मवर्म होते हैं जो उसके कीड़े होते हैं वो आपकी खुरचन करते हैं पत्तियों पे। जब खुरचन करने लगते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें सफ़ेद सफ़ेद करके धारियाँ बन जाती है। जब ये धारियाँ बनती है अगर उस समय हम किसी प्रबंधन का काम करते हैं तो क्या होता है कि उस कीड़े को आसानी से मारा जा सकता है। वो कीड़ा बहुत छोटा होता है, कभी कभी हम देख भी नहीं पाते हैं उसको, तो उस समय हमें इसका प्रबंधन करना चाहिए। दूसरा, जब उसके अंदर पत्तियां जब बहुत ज़्यादा दिन तक खाने लगता है, ये लगभग 15 से 16 दिन तक इसका जीवन चक्र रहता है कीड़े का, मतलब जो लट खाती है उसका, तो 7-8 या 10 दिन तक जब ये कीड़ा होता है उस समय आपको पत्तियों पे छेद भी दिखाई देते हैं। जो नई पत्तियां निकलती है उनके ऊपर पुरानी पत्तियों पे छेद नहीं होंगे, क्योंकि ये जो भी नई पत्ती रहती है उनको खाता है। इसको आपको दिन में इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ये कीड़ा दिन के अंदर आपके पौधे की गोब के अंदर छुपा रहता है, ठीक है। उसके बाद रात के अंदर निकलता है जब भी तापमान कम होता है, और रात के अंदर खा के वापस दिन में सुबह होते ही वो सूरज निकलते के साथ ही ऐसे समझिए कि वो उस गोब के अंदर जाके छुप जाता है, तो आप इसको देख नहीं पाते। थोड़ा अगर छेद वगैरह की अवस्था आ गई तो उस अवस्था पे केवल एक पौधे पे एक कीड़ा ही रहता है। आपको पहले खेत पे देखना है आपके अंदर फॉल आर्मवर्म है कि नहीं है, अगर वो है तो उसके बाद ही आपको छिड़काव करना है। छिड़काव में भी यह है कि पूरे खेत के अंदर ये है तो आपको पूरे खेत के अंदर छिड़काव करना है। दूसरा, अगर जगह जगह है तो आपको एक सर्जिकल वाला करना है, जहाँ जहाँ पे है जिस जिस पौधे के अंदर है आप वहीं पे आपका ये पेस्टिसाइड डालें। तो इसके नियंत्रण के लिए आप जब भी आपकी फसल बोते हैं तो उसके अंदर फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं, वो फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। आपको 8 फेरोमोन ट्रैप एक एकड़ के लगाने होते हैं। दूसरा है कि आपका जो जैविक नियंत्रण है जो नीम बेस्ड NSK ही होता है, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट या एजाडेक्टिन का 1500 ppm के सॉल्यूशन का 10 ml प्रति लीटर के पानी के हिसाब से छिड़काव करते हैं। कुछ जो कीटनाशी है उनमें इमामेक्टिन बेंजोएट है जो 0.4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या आप क्लोरेंट्रानिपोल जो 0.4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। इसके साथ हम और भी हैं जिसको स्पिनोटेरम है, उसको 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। आप इन तीनों में से कोई सा भी एक कीटनाशी उसको बार बार बदल के, जैसे आपकी पहली अवस्था के ऊपर जब कीड़ा आया है उस समय आपने छिड़काव किया इमामेक्टिन बेंजोइट का, ठीक है, इमामेक्टिन बेंजोइट का जो छिड़काव करना है वो आपका हमेशा जो आप जो भी स्प्रे पंप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कट नोजल का प्रयोग करें, और कट नोजल का प्रयोग करके पौधे के जो सेंट्रल पार्ट है उसके अंदर आपको डालना है। तो आप जब 10 दिन बाद फिर ऑब्जर्व करेंगे बीज के पौधे की जो पत्तियाँ हैं उनके अंदर अगर कीट का एक्सक्रीटा है, मलमूत्र है, या फिर उसको पत्तियों में छेद है, तो आप दूसरी बार क्लोरेंट्रानिपोल का छिड़काव करें, और अगर तीसरी बार ज़रूरत पड़ रही है तो आप स्पिनोटेरम का छिड़काव करें, तो इसका फॉल आर्मवर्म का नियंत्रण अच्छे से कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे।
मधुबनी बिहार से राजन कुमार जी ने धान के पत्तियों के सिरों की गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में शीत ब्लाइट का प्रकोप हुआ है, इसके समाधान हेतु हेक्साकोनाजोल की 400 ग्राम मात्रा या शीत मार की 500 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर एक एकड़ में छिड़काव करें। देश भर से कई किसान भाइयों ने अमरूद के पेड़ में नेमाटोड के लगने की समस्या बताई है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पौधे की जड़ से 1 फीट दूरी पर दोनों तरफ लगभग 1 इंच डायमीटर के 2 PVC पाइप 1.5 फीट की गहराई में गाड़ दें। अब 100 मिलीलीटर पोकोनिया क्लाइमेडोस्पोरिया के तैलीय फॉर्मुलेशन को 1 ग्राम गुड़ के साथ 1 लीटर पानी में मिलाकर घोल बना लें। इस घोल की 500 मिलीलीटर मात्रा को प्रत्येक पीवीसी पाइप में डालें तथा इस प्रक्रिया को 30 दिन में 3 बार दोहराएं। कोडागांव छत्तीसगढ़ से पावन भागेल जी ने धान में भूरे धब्बे होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में ब्राउन स्पॉट का प्रकोप हुआ है, इसके समाधान हेतु डायथीन की 500 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। विदिशा मध्य प्रदेश से अनिल मीना जी ने धान में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप हुआ है, इसके समाधान हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। 7 दिन बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 40 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तथा 10 से 15 दिन बाद इसका एक पुनः छिड़काव और करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 29 से 31 अगस्त के दौरान मध्य प्रदेश और तेलंगाना में, 29 अगस्त को उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में तथा 29 और 30 अगस्त को विदर्भ, केरल, माहे, तमिलनाडु, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, 30 अगस्त को मराठवाड़ा, पुडुचेरी, कराईकल में, 31 अगस्त को कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में एवं 30 और 31 अगस्त को गुजरात में भारी वर्षा की संभावना है। 28 से 31 अगस्त के दौरान दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर के ऊपर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम ना करने की सलाह दी जाती है। 1 से 3 सितंबर 2021 के दौरान पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा की संभावना है। मानसून ट्रफ के दक्षिण की ओर के खिसकने के प्रभाव से उत्तर पश्चिम, मध्य पश्चिम भारत, प्रायद्वीपीय भारत, द्वीपों में और पश्चिम तट में कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में छिटपुट वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।